स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन पर ये वक्त है स्वच्छ भारत का। महात्मा गांधी तन की दृष्टि से देखें तो इतने मजबूत नहीं थे, धन की दृष्टि से देखें तो इतने संपन्न नहीं थे, लेकिन उनके पास मन की शक्ति थी और इसी मन की शक्ति के बल पर उन्होंने वो काम करके दिखाया जो उस दौर में नामुमकिन सा था। जी हाँ, भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी के योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। एक इच्छा और थी महात्मा गांधी के मन में, भारत को स्वच्छ देखने की। हालांकि स्वच्छता उन्होंने खुद अपनाई थी और व्यक्तिगत आंदोलन के रूप में उन्होंने स्वच्छता को अपनाया भी था। उनके इसी आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनकी इच्छा को भारतवासियों ने भी दोनों हाथों से लिया है। भारत के कई हिस्सों में कई लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ किया है और भारत को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठा लिया है। देश भर में कुछ ऐसे भी गांव हैं जो एक निश्चित रूपरेखा के तहत काम करके मुश्किल परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए आदर्श ग्राम बन गए हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आने वाला हरपुर बोचहा भी एक ऐसा ही गांव है जो आज के दौर में समृद्धि की नई कहानी कह रहा है। बाढ़ और सुखाड़ से अक्सर जूझने वाले इस गांव में खेती एक चुनौती थी, लेकिन सभी के सहयोग से अब स्थिति बदल गई है। सिंचाई के लिए नहर और पोखर है जिससे पैदावार बढ़ी है। मुर्गी पालन और मछली पालन अब यहां व्यावसायिक स्तर पर हो रहा है। बहुत से लोगों को गांव में ही रोजगार मिल गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव को आसानी से महसूस किया जा सकता है। बात अगर स्वच्छता की करें तो इस दिशा में भी यहां की प्रगति संतोषजनक है। यहां के ज्यादातर घरों में अब शौचालय बन गए हैं। एक ऐसा गांव जहां कुछ समय पहले तक बाढ़ और सुखाड़ के कारण जीवन जीना दूभर हो गया था, वहां शौचालयों का निर्माण एक बड़ी सफलता से कम नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50% से ज्यादा घरों में बने शौचालय इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हर स्तर पर लोग साफ सफाई के प्रति सचेत और जागरूक हुए हैं। अलग अलग माध्यमों का सहारा लेकर लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में बताया जा रहा है, जिससे बदलाव को महसूस किया जा सकता है। पेयजल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत की कोशिशों को स्थानीय निवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। यहां शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की जागरूकता भी बढ़ी है। यही कारण है कि अब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। गांव का माहौल साफ सुथरा नजर आता है। यहां वहां बिखरी गंदगी कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ नजर आता है तो वो है हरे भरे पेड़ पौधों से बना खुशनुमा वातावरण। सौर ऊर्जा की उपयोगिता के मामले में भी इस गांव ने अनूठी प्रगति की है। बिहार के पिछड़े समझे जाने वाले इस गांव की कहानी वाकई आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। भारत के कई हिस्सों की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां परिवर्तन की बयार अब दिखाई दे रही है।
कहा जाता है कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश अगर आपस में मिल जाए तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है, और ऐसे में बच्चों का योगदान अगर साथ हो जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बनारस में कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ है और शुरुआत हुई है विद्यालयों से। विद्यालयों में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें स्वस्थ किया जा रहा है ताकि भारत स्वच्छ हो सके। हमारे धर्म शास्त्र में एक सूक्ति मिलती है कि मनुष्याणायम स्थिति जलवायु शरीराणायम संरचितश, अर्थात जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी ही शरीर की रचना तैयार होगी। संदेश साफ है कि यदि किसी भी तरह की संपन्नता चाहिए तो बेहतर स्वास्थ्य अवश्य होना चाहिए, ये बिना स्वच्छ वातावरण के संभव नहीं है। प्रायः ये देखा जाता है कि लोग व्यक्तिगत सफाई के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन सामाजिक स्वच्छता के प्रति लोगों में उदासीनता दिखलाई पड़ती है। सामाजिक स्वच्छता का भाव जगाने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। सामाजिक स्वच्छता का एक प्रमुख घटक है स्कूल स्वच्छता। प्राथमिक विद्यालयों से ही बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत होती है। परिवार में जहां बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हैं, वहीं स्कूलों के माध्यम से उनमें सामाजिक स्वच्छता के बीज अंकुरित होते हैं। बच्चों में स्वच्छता का संस्कार स्कूलों में भी मिलता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसीलिए स्कूल स्वच्छता को एक प्रमुख घटक के रूप में स्थान मिला हुआ है। केंद्र सरकार का मानना है कि स्कूल साफ सुथरे रहेंगे और स्कूलों में स्वच्छता के विभिन्न घटकों को शामिल कर लिया जाए तो बच्चों में एक नई तरह की चेतना पैदा होगी और वे स्वच्छता अभियान को एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने स्कूल स्वच्छता को विशेष महत्व दिया है स्वच्छ भारत अभियान में। स्कूल स्वच्छता के अंतर्गत देश भर में फैले सभी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण को प्राथमिकता सूची में रखा। विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वाराणसी जनपद के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए गए। स्कूल के बच्चों को खुले में शौच के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षकों द्वारा जानकारी दी जाने लगी। फलस्वरूप बच्चे अब खुले में शौच के स्थान पर सुरक्षित शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं। स्वच्छता की अवधारणा मात्र शौचालय के उपयोग से नहीं पूरी होती है। शौच के बाद सही तरीके से हाथ धोना भी जरूरी है। स्कूल में बच्चों को हाथ धोने के तरीके भी बताए जाते हैं। फलस्वरूप स्कूलों के बच्चे शौच के बाद नियमित रूप से हाथ धोते हैं। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो हम लोग विद्यालय में शौचालय को प्रयोग करने के लिए बताते हैं। बच्चे खुले में न जाए इसलिए गांव में कहते हैं कि गांव में अगर बच्चे खुले में जाते हैं तो भाई वो तो उनकी मजबूरी है, लेकिन स्कूल में आने पे हम लोग बताते हैं कि वो शौचालय को यूज करें, आने के बाद शौचालय से बाहर आए हैंड वॉश रखा जाए, हाथ धोएं। पूरे वातावरण और आसपास के माहौल को स्वच्छ रखने से ही स्वच्छ भारत अभियान मूर्त रूप ले सकेगा।
स्कूल परिसर, मैदान, कक्ष आदि की सफाई भी मायने रखती है। प्रार्थना स्थल पर सारे बच्चों को नाखून की जांच करना, ड्रेस की सफाई, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी स्वच्छता बरकरार रहेगी। इसके लिए जो है विद्यालयों में जैसे कि वातावरणीय स्वच्छता, शौचालय की स्वच्छता, जहाँ पर पेयजल बच्चों को पिलाया जाता है वहाँ पर जो है उनकी साफ़ सफाई, उसमें हम लोग ध्यान देते हैं ताकि बच्चे अपने शिक्षा में उसको प्रयास कर सकें। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाते हैं कि कैसे अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने विद्यालय में, घर में, हर जगह सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ तक कि हम लोग विद्यालय में खुद मिल करके, मेरा सारा स्टाफ इसमें बराबर लगा रहता है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, बच्चे साफ़ सुथरे आवें, बच्चों के नाखून, बच्चों की ड्रेस, बच्चों के नहलाने धुलाने, हर चीज़ पर विशेष बल दिया जाता है। पूरे विद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने के बारे में शिक्षक बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। इससे बच्चों में स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति रुचि पैदा होती है। शौच करने के बाद बाल्टी में पानी डालना चाहिए और फिर उसके बाद साबुन से हाथ धोकर क्लास में जाना चाहिए। सर कहते हैं अगल बगल पानी या नहीं जाना चाहिए, जिससे मच्छर सब घर में आके सब काटते हैं, इसीलिए हाथ मुंह धोकर जी खाना खाना चाहिए और प्लेट हाथ धोना चाहिए। स्कूलों में बच्चों के ड्रेस पर भी शिक्षकों की नजर रहती है। शिक्षकों द्वारा बच्चों को साफ सुथरा ड्रेस के महत्व के बारे में भी बताया जाता है, साथ ही बच्चों को स्वयं की सफाई के बारे में सचेत किया जाता है। हाथ की सफाई करने के 5 तरीके हैं। पहले हाथ को पानी से धो लेंगे, फिर दूसरा दोनों हाथों में पानी को अच्छे से, दोनों हाथों में साबुन को खूब अच्छे से लगा लेंगे, तीसरा उंगलियों के बीच हाथों को ऐसे से रगड़ेंगे, और तीसरा चौथा नाखूनों को ऐसे से रगड़ के, फिर पांचवा पानी से धुल देंगे। हमें अपने टॉयलेट को साफ़ रखना चाहिए। हमें टॉयलेट जाने से पहले 1 बाल्टी पानी ले जाना चाहिए। हमें टॉयलेट करने के बाद उस पानी को टॉयलेट में डाल देना चाहिए, क्योंकि उससे वो गंदगी साफ हो जाती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे पहले एवं उसके बाद हमें साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ ना धुलेंगे तो हम अगर खाना खाते हैं तो उसके साथ, खाने के साथ जो कीटाणु रहते हैं हमारे हाथों में, वो हमारे पेट में चल जाते हैं, उससे हमें अनेक बीमारियां होती हैं। बच्चे जो कुछ भी स्कूल में सीखेंगे उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। स्वच्छता के प्रति बच्चों में पैदा की जाने वाली जागरूकता से उनका परिवार भी स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति सचेत होगा। प्रयास ये किया जाता है कि बच्चे सफाई के महत्व को समझें, बच्चों को सफाई से होने वाले लाभ, गंदे रहने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अच्छे सफाई से उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर के लिए सफाई का क्या महत्व है, स्वस्थ रहने से उनका मन पढ़ाई में कैसे लगेगा, वो जहाँ तक तो एक बात आती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना सभा में एक बच्चों से बात की जाती है कि बच्चे साफ सफाई के प्रति जागरूक हों। बच्चों को जो कि इस समाज के कर्णधार हैं, अगर उनके अंदर यह स्वच्छता की संस्कृति हमने पैदा कर दिया तो हमारी शिक्षा प्रक्रिया आधी पूर्ण वही हो जाएगी। बच्चों को नियमित स्कूल प्रार्थना के दौरान भी सफाई के टिप्स दिए जाते हैं और उन्हें स्वच्छता संकल्प दिलाया जाता है। स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील के पूर्व खाने के समय स्वच्छता के बारे में बताया जाता है। स्वच्छता का एक प्रमुख घटक है पेयजल की स्वच्छता। स्वच्छ पेयजल के अभाव में कई तरह की बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों से निपटने के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी जरूरी है। स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। घर जैसा सुंदर गांव मेरा जी,
गंदा न करना इसे जरा भी, करेगा जो गंदा जर भी माफ न करेंगे हम उसे जी। पीने का पानी ढक के रखो, पीने का पानी ढक के रखो, घर जैसा सुंदर गांव मेरा जी, गंदा न करना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देता है। बेहतर स्वास्थ्य ही वो रास्ता है जिसके माध्यम से देश संपन्नता और समृद्धि के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ सकता है। इसीलिए स्वच्छता पहला लक्ष्य है संपन्नता के लिए, और यह सूक्तियों को याद करने से नहीं बल्कि उन्हें व्यवहार में लाने और उन पर अमल करने से ही संभव हो सकेगा। रुको सचिन, खुले में शौच करने से खेल ही नहीं सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत का अर्थ केवल व्यक्तिगत स्वच्छता या आस पड़ोस की सफाई करना नहीं है, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़ते हैं, जिसमें कचरे का उपयुक्त प्रबंधन या फिर कहें पेड़ लगाना, नदियों की सफाई करना या पूरे भारत को ODF बनाना, ये बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पाना है। हैदराबाद स्वच्छ भारत मिशन को अच्छी तरह से समझ रहा है और इसी वजह से वहाँ कचरे का बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को कैसे वहाँ अच्छे तरीके से रीयूज के लिए अपनाया जा रहा है, आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन इज अ नेशनल कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड on 2nd October 2014. As a part of this campaign, the solid waste management at Jawahar Nagar Dumpyard in Hyderabad City stands as an ideal for building smarter cities. The GHMC, Greater Hyderabad Municipal Corporation, has its dump site located in Jawahar Nagar. Spread over 350 acres, receives around 4,000 metric tons of garbage every day. New facilities for resource recovery from waste, such as compost, recyclables, RDF, refuse-derived fuel, are being created under PPP, Public-Private Partnership, through reclamation and remediation of dump site area. The solid waste is weighed first at the weighbridge and unloaded at the tipping floor. The waste is then kept for drying for about a week to remove the moisture content. It is then shifted to pre-sorting unit where it is passed through 70mm screening. It is here that the waste is separated manually. The waste now is separated as three components: minus 70 mm, which is wet garbage consisting of 90% decomposed material, plus 70 mm, the dry waste or rejects containing recyclables such as glass, plastic, metals, etc. The dry waste also consists of combustible material with high calorific value known as RDF, refuse derived fuel, that is used as an alternative fuel in cement industry. The compostable material is now treated through windrow technology. Firstly, it is laid in heaps and subjected to bacterial culture. It is then turned and mixed once in a week to speed up
the process of decomposition. During this process, 40% of moisture is kept intact. It takes about 45 days to complete the process of decomposition. After the decomposition, the matter is sent to the lab for the maturity test on the basis of pH, density, physical nature, and texture. After clearing the test, the material is sent to pre-composting unit and kept for a week and passed through 20mm and 4mm screens where organic separation is done. The compost is finally ready to be used as a soil enricher in agriculture for higher yield. The municipal solid waste is unloaded at the tipping floor and pre-sorted and brought to the recycling unit. The recyclables are separated manually and the plastic waste that consists mainly of polypropylene material is recycled. This material is passed into the shredder and broken down into small pieces. These are cleaned and dried and are further sorted based on color. The polypropylene is sent to the extruder. The extruder has five distinct chambers where it is liquefied at 200 degree temperature. The pure recyclable material is now cooled and sent to the pellet unit. The material now obtained is in the form of pellets and granules. The final product is used as the raw material in the manufacture of the goods like chairs and pipes. The waste processing unit generates 100 kiloliters of leachate on daily basis. Leachate is the liquid that is leached from the solid waste. It contains high concentrations of undesirable and harmful materials and hence has to be treated before releasing into the environment. The leachate has elevated levels of BOD, COD, TDS, and other heavy metals that may cause harmful effects on the environment. The leachate is sent through line path and is collected in four solar evaporation paths. It is sent to leachate treatment plant where it is treated by two methods. In the primary treatment, the leachate containing suspended solids are sent into the flash mixer and treated with doses of alum and separated through the process called flocculation. The suspended solids are finally sent into the lamellar settler where the liquid is collected and sent to the RO tank. After the primary treatment, the liquid is passed to the sand filter and to the cartridge filter, thereby to the RO unit. The entire process is done through reverse osmosis. The leachate is now ready to be discharged as it has attained the permissible limit. It can now be used for the green belt. The integrated solid waste management carried at the Jawaharnagar dumpyard has indeed adopted cleaner technology and opened new vistas for a clean and green India. माँ मुझे जोर से लगी बेटा है। बेटा कहीं भी बिठा दो बच्चा ही तो है मुझे बड़ी जोर से लगी स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए अरे क्या बड़ी बात है अरे रामू काका रामू काका बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं क्योंकि ये बड़ी बात है।
स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। हार और जीत क्या है? अगर मान लिया तो हार है, और अगर ठान लिया तो फिर जीत है। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाना है, यही हम सब ठान लेते हैं, ताकि आने वाले साल 2019 में हम स्वच्छ भारत के सफलता का जश्न मना सके। इसी कामना के साथ फिलहाल आपसे इजाजत ले रहे हैं। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ और देखते रहिए स्वच्छ भारत। अगर आप चाहते हैं हम तक अपनी बात पहुंचाना, इस कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना, तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। और स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह आपके लिए उपलब्ध है।